Actor Adhyayan Suman, who has made his on-screen comeback after 3 years with Dehraadun Diary, reveals the reason why he chose to do the film. मेरे लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है दो एस्पेक्ट्स हैं कि मैं 3 साल के बाद मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि सिंस हमारे इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस बहुत वैल्यू रखता है कि एक एक्टर जब पर्दे पे आता है तो उसकी फिल्म चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है. सो मैं एज एन एक्टर डेफिनेटली चाहूँगा और मैंने ये फिल्म और एक रीज़न के लिए की थी. मुझे लगा था कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज जो हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं मेरे अंदर बहुत गुस्सा है और मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं. मैं इस फिल्म के थ्रू एक कॉमन मैन तक पहुंच पाऊं बिकॉज फिल्म जो है एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां लोग आते हैं आपकी फिल्में देखते हैं आपकी बातें सुनते हैं. सो आई होप दैट हैपन आई होप बोथ द थिंग्स हैपन आई होप कि मेरा मैसेज भी पहुँच जाए और देहरादून डायरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा भी करे. देहरादून डायरी वॉज रिलीज टूडे. मीनवाइल अध्ययन विल सून बी सीन इन साजिद खान रीमेक ऑफ हिम्मत वाला. किरण कठैत, IANS.